कल आओ राजकुमार भैया आओ है अब बताया जाए होली मिलन समारोह जो रस समाज के द्वारा वार्ड नंबर 39 में रखा गया बताया जाए। देखिए हर साल यहाँ होली मनाया जाता है वैश्य समाज के द्वारा, लेकिन इसमें शामिल सभी वर्ग सभी धर्म के लोग एक साथ शामिल होकर के श्री नारायण जलाल जी के धर्मशाला में हर साल हम लोग होली मनाते हैं, एकजुटता का परिचय देते हैं, समाज के सभी लोगों को होली के माध्यम से सबको शुभकामना देते हैं कि आने वाला साल सबका मंगलमय हो, शांतिपूर्ण बीते। जिस तरह से बीते विगत दो सालों से हम लोगों ने ना कोई पर्व मनाया है, ना कोई त्यौहार मनाया है, ना ही किसी तरह का उत्सव उल्लास के से मनाया है, तो आज इस साल हम लोग को मौका मिला है और आज उसी पर्व के मौके पर हम सभी एकजुट हुए हैं। सभी हमारे वार्ड के निवासी एक साथ आज होली खेल रहे हैं और होली के इस पर्व पर एक संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ ना कोई जाति है, ना कोई पाति है, ना कोई धर्म है, हम लोग सभी लोग एक हैं, एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं और हम लोग का संगठन और संगठित होना ही होली का संपूर्ण। होली मिलन समारोह आयोजित किया गया है नवादा में, क्या कहेंगे इसका? यही कहेंगे वैश्य समाज को सबसे पहले तो हम शुभकामना देंगे होली के, हार्दिक बधाई हो और सभी तरह रंगों में जिस तरह से आदमी सब पुरानी बात भूल कर रंगों में अपना घुल मिल जाए और वार्ड नंबर 39 में वैश्य समाज द्वारा होली मिलन का आयोजन करवाया गया था। आयोजनकर्ता में चिकू जी, सोनू जी, गुड्डू जी और वैश्य समाज के सभी लोग एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाएं यहाँ पर और आए, उसमें हमको भी बुलाने का काम किया गया, लोग हम भी उपस्थित हुए। बड़ी खुशी की बात है क्योंकि कोरोना काल में दो साल से कोरोना काल रह रहा था, बहुत सारे अगला साल भी होली नहीं आदमी मना पाया, उसके पहले भी होली नहीं मना पाया, हम ही लोग के बीच में बहुत सारे वैश्य समाज में और हरेक वर्ग में हम लोग के बीच से आदमी गुजर चुके हैं, बहुत दुख के गड़ी में हम लोग गुजरे। अब आज सब कुछ हम यही भगवान से कामना करेंगे, सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ स्वस्थ रहे, सब कुछ ऊर्जावान रहे और खुशी खुशी होली मनाए और सभी आयोजनकर्ता को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामना, वार्ड नंबर 39 के जनता को, माताएं बहनों को और छोटे भाई लोगों को भी होली के हार्दिक शुभकामनाएं।